सो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड प्रवीण आप देख रहे हैं वीडियो से लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और बेल आइकन दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। तो देख सकते फ्रेंड्स, यहाँ हमारा प्रोब्स ख़राब हो चुके हैं, जल गए। कुछ ज़्यादा ही एम्पीयर का चेक कर रहा था मैं, इसलिए जल गए थे दोस्तों। देख सकते हैं जुआ जुआ लगा कैसे टेप लगाया था दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज हम बना लेते हैं इसको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। चलिए फेंक देते हैं इसको पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लेंगे पिन जो मैंने ख़राब पड़ रहे थे, तो फ्रेंड्स इसको पहले काट देते हैं दोस्तों। देख सकते हैं इस तरह के कुछ पिन निकले हैं दो। तो फ्रेंड्स मैं यूज करने वाला हूँ कॉपर वायर, देख सकते हैं कुछ इस तरह का अच्छा क्वालिटी का वायर है दोस्तों। देख सकते हैं मोटाई, देखिए फ्रेंड बहुत हैवी वायर है दोस्तों, ये देखिए फ्रेंड। ये देखते हैं फ्रेंड्स, ये हल्का वायर है दोस्तों, हैवी वायर नहीं है दोस्तों। ये देखिए कॉपर कॉपर वायर है, बहुत पतले पतले हैं इसके वायरिंग, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लेंगे हैवी वायर दोस्तों, आप भी हैवी वायर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं कनेक्ट कर चुका हूँ इसको, देख सकते हैं इस तरह का सोल्डरिंग करके इजीली सोल्डरिंग हो जाता है दोस्तों कॉपर वायर में। तो हम बना रहे हैं एक बॉक्स, आप देख सकते हैं डायमेंशन क्यों बना रहे हैं, आप वीडियो में बने रहिएगा समझ जाएंगे जी भी, देख सकते हैं। मैं स्टील ग्लू यूज कर रहा हूँ, कोई सा ग्लू यूज कर सकते हैं दोस्तों, 5 रुपये का भी मिलता है। इस तरह से मैं बॉक्स बनाने वाला हूँ। तो ये फ्रेंड्स हमारा बॉक्स बन रहा है। तो फ्रेंड वीडियो को अच्छे लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, और उस बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स मैं एक वासर ले रहा हूँ कुछ इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड। इसके बाद स्टील ग्लू लगा देंगे। तो फ्रेंड इस प्लास्टिक का टुकड़ा डाल देंगे दोस्तों, 1.5 cm का, जो भी इसका कट किए थे उसका एक ले रहा हूँ। इस तरह से वासर चिपका के स्टील ग्लू से चिपका दूँगा दोस्तों, ये देखिए फ्रेंड्स। ये दोनों में लगा दिया इस तरीके से, देख सकते हैं हमारा प्रोब रेडी है। तो फ्रेंड्स मैं इसको साइड से घिस के फिनिशिंग दे चुका हूँ, तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप जब हम खाना बनाना पाते हैं दोस्तों, चलिए बना लेते हैं खाना। फ्रेंड्स खाना नहीं बनने वाले हैं, देख सकते हैं PVC पाइप को सीट बनाने वाले हैं कुछ ही तरीके से। फ्रेंड्स देख सकते हैं हम इसका प्रोब बनाने वाले हैं। कुछ इस तरीके से दोस्तों, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं, मैं पैन इसलिए नहीं लिया कि मैं कुछ अलग करना चाहता था। फ्रेंड्स एक कील ले लिया मैंने, कुछ इस तरह से घी लिया है। मैं वायरिंग भी PVC पाइप से बनाया हूँ दोस्तों, उसी तरह से व्हाइट कलर का। और ये वाला थोड़ा पतला है दोस्तों, इसीलिए वो ज़्यादा मोटा था इसीलिए नहीं बनाया दोस्तों, ज़्यादा पतला बनाने का। तो फ्रेंड्स हम दो पेन ले लेंगे, यहाँ से हम कट कर लेंगे दोस्तों, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स हम जला के थोड़ा अंदर कर लेंगे इसको, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हम जला के कर चुके हैं इसको, आप इजीली कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हम चिपका देंगे इसको स्टील ग्लू से। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देख सकते हैं इस तरह से कैप में लगा दिया हूँ कील होल करके सोल्डरिंग आयरन से। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस तरह से लग चुका है हमारा, अभी थोड़ा थोड़ा लुक आ रहा है हमारा प्रोब का, तो पकड़ने में थोड़ा आसान होने वाला दोस्तों। देख सकते हैं फ्रेंड जिसे पकड़ते हैं उसे ये फीलिंग आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम वायरिंग कर लेते हैं उसका,
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सोल्डिंग भी इजीली हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड्स, सोल्डिंग हो चुका है। ये कैप की तरह काम करेगा दोस्तों। वायरिंग निकल जाए तो फिर कर सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स, हो चुका है हमारा। दूसरा भी कर लेते हैं दोस्तों, ये हमारा हो चुका है। और इसमें जैसे कि यहाँ पीछे लगा देंगे इसको, तो फ्रेंड पीछे भी लगा दिया है हम एक कैप टाइप का। अब कलर कर लेते हैं इसको जो, तो देख सकते हैं बहुत शानदार लुक आ रहा है दोस्तों कलर करने के बाद। अब चाहे तो कलर कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स बहुत इपिक लुक आ रहा है दोस्तों। अब टेस्ट कर लेते हैं इसको, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम टेस्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। भी आवाज़ सुनिएगा आप, सुन सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स आप चेक कर लेते हैं अब वोल्टेज में, बैटरी थोड़ा और चेक कर लेते हैं। मैं 20 वोल्ट पे सेट कर चुका हूँ। अब चेक कर लेते हैं बाइक के बैटरी पे, देख सकते हैं फ्रेंड्स, दोस्त देख सकते हैं फ्रेंड्स, चार्ज नहीं है बैटरी को, 9.32 वोल्ट दिखा रहा है। तो फ्रेंड अभी दूसरा बैटरी चेक कर लेते हैं, इस तो फ्रेंड्स 4 वोल्ट के आसपास दिखा रहे हैं, 4.8। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगे तो कमेंट कर जरूर बताना, वीडियो से लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।